गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी रीड अवर इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर सेकंड, हार्श वर्ड्स। हार्श वर्ड्स मीन्स टफ वर्ड्स, वे शब्द जो कि किसी के हृदय को दुखाते हैं, किसी के दिल को दुखाते हैं, ऐसे वर्ड्स को ये हार्श वर्ड्स बोला जाता है। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, सो लेट्स रीड अबाउट इट। अ पुअर मैन लिव्ड विद हिज स्मॉल फैमिली इन अ स्मॉल हट इन द मिडल ऑफ ए फॉरेस्ट। एक गरीब इंसान अपने छोटे से परिवार के साथ एक छोटे से झोंपड़ी में रहता था जंगल के बीच में। ही वॉज सिक एंड वीक, वो बहुत ही बीमार और बहुत ही कमज़ोर भी था। ही हैड अ सन, उसका एक बेटा भी था, हु वॉज वेरी यंग, जो बहुत छोटा था। हिज वाइफ वॉज टू बिजी इन कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग एंड लुकिंग आफ्टर द चाइल्ड। उसकी पत्नी हमेशा बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती थी अपने घर के कार्यों में, जैसे कि खाना पकाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना और बच्चे की देखभाल करने में। शी कुड नॉट हेल्प हिम, वो उसकी मदद नहीं कर पाती थी टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। एवरी डे द पुअर मैन वेंट डीप इन टू द फॉरेस्ट, प्रत्येक दिन वो गरीब आदमी जंगल में अंदर तक जाता था एंड चॉप्ड वुड, चॉप्ड मीन्स काटना, लकड़ियों को काटता था। ही गैदर्ड द वुड, काटने के बाद वो लकड़ियाँ इकट्ठी करता था। टाइड इट इन अ बंडल, उनका एक बंडल बना लेता था। एंड कैरीड इट ऑन हिज डंकी, और अपने गधे के ऊपर उसको लाद करके ले जाता था टू अ नियर बाई विलेज मार्केट, पास के ही एक गांव के बाज़ार में। ही सोल्ड द वुड, वहाँ पर वो उस लकड़ी को बेचता था। एंड बॉट फूड फॉर हिज फैमिली, और अपने परिवार के लिए भोजन लाता था। वन डे, एक दिन, व्हेन द पुअर मैन वॉज बिजी विद हिज वर्क, जब वो गरीब इंसान अपने कार्य में बिजी था, अपने कार्य में व्यस्त था लकड़ी काटने के। ही हियर्ड अ लाउड ग्राउल, उसने बहुत ही तेज़ आवाज़ सुनी। ही पुट डाउन हिज एक्स, उसने अपनी कुल्हाड़ी को एक तरफ रख दिया। एंड स्टूड स्टिल, और सांस रोक करके खड़ा हो गया। ही लुकड हेयर एंड देयर, उसने इधर उधर देखा, बट फाउंड नथिंग देयर, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। देन सडनली, तभी अचानक, अ हॉरिबल बियर केम आउट बिहाइंड द बुशेस, एक बहुत ही डरावना भालू पीछे की झाड़ियों से निकल करके आ गया। ही वॉज वेरी फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन्स डरना, जो गरीब किसान था बेचारा, वो बहुत डर गया टू सी इट, उस भालू को देख करके। डू नॉट बी फ्राइटेंड मैन, सेड द बियर, भालू ने कहा कि हे, आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉन्ट हार्म यू, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। यू आर वेरी वीक, तुम तो बहुत कमज़ोर हो, बट यू वर्क सो हार्ड, लेकिन तुम इतनी कठोर परिश्रम कर रहे हो। सिट डाउन, आराम से बैठ जाओ, एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। एंड लेट मी डू योर वर्क, और मुझे अपना कार्य करने दो। द पुअर मैन वॉज सरप्राइज्ड, वो बेचारा इंसान बहुत आश्चर्यचकित हुआ टू सी इट्स स्पीक, भालू को बोलते हुए सुन करके। ही नेवर न्यू, वो नहीं जानता था दैट बियर को टॉक, कि भालू बोल भी सकते हैं। एंड व्हाट्स मोर, इससे ज़्यादा क्या, कि दिस बियर वॉज ऑफरिंग टू हेल्प हिम, इस भालू ने उसकी मदद करने की का निश्चय किया था। हाउ काइंड यू आर डियर बियर, ही सेड, उसने बोला कि हे भालू, तुम कितने दयालु हो। द पुअर मैन रेस्टेड अंडर अ ट्री, वो इंसान पेड़ के नीचे बैठ करके आराम करने लगा। वाइल द बियर वर्क, जबकि बियर जो भालू था वो कार्य करने लगा। सून ऑल द वुड वॉज कट, बहुत ही जल्दी भालू ने सारी लकड़ियाँ काट दी। द मैन एंड द बियर टाइड वुड इन अ बंडल, उस आदमी ने और भालू ने दोनों ने ही मिल करके लकड़ी का बोझा बनाया। एंड लोडेड इट, और उसको लाद दिया ऑन टू द डंकीज बैक, गधे की पीठ के ऊपर। द मैन थैंक्ड द बियर, आदमी ने भालू को धन्यवाद दिया। एंड वेंट ऑफ टू सेल द वुड, और जंगल में चला गया लकड़ियाँ बेचने के लिए। द नेक्स्ट डे द बियर अराइव्ड, अगले दिन फिर वो भालू आया। एंड हेल्प द मैन अगेन, और उस इंसान की दोबारा मदद की। दिस वेंट ऑन फॉर सम वीक्स, यही कार्य कुछ हफ्तों तक चलता रहा। आज के लिए हम इतना ही, इसे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में क्या हुआ, क्या वो भालू और वो मैन जो थे वो दोनों दोस्त बन गए, या फिर बाद में उनके बीच में कुछ ऐसा हुआ कि वो दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे,
तो स्टूडेंट्स, इससे आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।